यानी एक पंथ दो काज डबल वाइनिंग सिस्टम के माध्यम से। देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, मिस्सी दाल चावल खा लो, आ जाओ मठा पी लो। चूल्हे को जला देते हैं। हांडी को तला लगा दिया है, अब हम इसे चूल्हे पर रख देते हैं। अब हांडी में पानी डाल देते हैं। पानी अच्छा सा रखेंगे। चलिए पानी को ढक देते हैं। ये देखिए दाल दाल फूल गई है। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में गंगा जमनी दाल, जिसे मिस्सी दाल भी बोलते हैं, आधे उड़द आधे चने की दाल। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ चावल बनाएंगे, चावल के साथ जब मिस्सी दाल को खाएंगे तो बहुत ही स्वाद आएगा। ऐसा स्वाद आएगा जैसे तोले में भट्टी पर उड़द बनते हैं, बनते हैं ना भट्टियों में गांव में उड़द, इसी तरह से हांडी में मिस्सी दाल बनाने में, गंगा जमनी दाल बनाने में उड़दों जैसा ही स्वाद आएगा। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, चूल्हा जलाकर हमने चूल्हे पर हांडी रख दी है और हांडी में पानी डाल दिया है। पानी में उबाल आने वाला है, या तो उबलते पानी में डालते हैं या फिर बिल्कुल ठंडे पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी में। दाल हमने भिगो कर रख दी है, दाल हमारी फूल गई है, ये एक घंटे के लिए हमने भिगो कर रख दी थी। अब हमारा पानी में उबाल आने वाला है, अब इसमें हम दाल को डाल देते हैं। पानी में उबाल आ चुका है, ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। हमने 2.5 लीटर के करीब पानी डाला है दाल हांडी में। दाल हमने 3-4 बार धोकर रख दी थी, अच्छे से साफ कर ली थी। अब चलिए ढक देते हैं। नमक रुक कर डालेंगे, थोड़ा नमक अभी नहीं डाल रहे हैं, नमक थोड़ी देर में डालेंगे। ये देखिए अब ढक देते हैं, थोड़ा सा उघाड़ेंगे। अब उबलती दाल में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये 1/2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, इससे दाल उबलेगी भी नहीं और टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
अब स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। अब फिर से ढककर रख देते हैं, थोड़ा उघड़ा रखेंगे। अब चलिए चावल को फटक लेते हैं। चलिए चावल अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब चावलों को भिगो कर रख देते हैं। अब चलिए चावल को दो तीन बार धोकर भिगो कर रख देते हैं। दो तीन बार अच्छे से धो लेते हैं। चावल तीन चार बार अच्छे से धो लिए हैं, साफ कर दिए हैं। अब हम इन्हें भिगो कर रख देते हैं। आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो कर रख देते हैं। अब चावलों के लिए हम हांडी में पानी को गर्म कर लेते हैं। अब चलिए भगोने में पानी पलट देते हैं। ये चावलों के लिए पानी रख रहे हैं हम। अब भगोने पे प्लेट रख देते हैं। चूल्हा हम तेज जलाएंगे जिससे हमारा पानी भी जल्दी गर्म हो जाए। नीचे हांडी में दाल बन रही है। आप सोचोगे ऊपर भगोना कह के लिए रखा है, ये हमने चावल बनाने के लिए रखा है। इसमें हमने पानी डाल दिया है, पानी हमारा गर्म हो रहा है, चावल हमारे भीगे रखे हैं, इतने हमारे चावल फूलते हैं, इतने हमारा पानी गर्म हो जाएगा और हम चावल हांडी के ऊपर ही बनाएंगे। यानी एक पंथ दो काज, डबल वाइनिंग सिस्टम के माध्यम से पानी अच्छे से गर्म हो गया है। हम चावलों को डाल देते हैं। चावल इस पे खोलने के नहीं है, उबलने के नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बन चुके हैं चावल। ये देखिए चावल बन चुके हैं। जैसे आप गैस पे कहोगे ना गैस पे खोलेंगे, इस तरह से नहीं खोलेंगे। ये धीरे धीरे गल गए हैं। ये देखिए गल गए हैं। अब चावलों को हम पसा लेते हैं। मेरी बेटी आ गई है, चावल बन चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया चावल बने हैं। दाल भी गली आई है, घुलनी बाकी है। अब कुछ देर में ये घुल जाएगी। अब इसके लिए हम प्याज और हरी मिर्चों को काट लेते हैं और मसाला पीस लेते हैं। चूल्हे में आग ओवर हो गई है। अब हम इस आग को बरोसी में डाल रहे हैं और हांडी अपनी दाल वाली इसी में रख देंगे। दाल हमारी धीरे धीरे पकती रहेगी। मेरी प्रियंका बिटिया मसाला पीस रही हैं दाल के लिए। खड़ा मसाला दाल में पड़ता है तो दाल बहुत ही अच्छी लगती है। ताजा मसाला पीस के डाल रहे हैं। थोड़ा अदरक का टुकड़ा है, दालचीनी है, तेजपात है, बड़ी इलायची है, लौंग है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है और हम मट्ठा भी लो रहे हैं। हम दही लगा रहे हैं। हम दही में थोड़ा दूध डाल देते हैं, कुछ मलाई रहती है। बच्चे हमारे रोज मट्ठा पीते हैं सुबह सुबह खाने के साथ।
चलिए दाल चेक कर लेते हैं। दाल बन गई है, और घी भी आ गया है, घी को इकट्ठा कर लेते हैं। मक्खन आ गया है, मक्खन को अच्छे से धो लेते हैं। मसाला पीस चुका है और हमने मक्खन भी निकाल लिया है। अब तड़के के लिए प्याज टमाटर काट लेते हैं और सब्जी भी काट लेते हैं, शिमला मिर्च आलू। ये हमारा डेली रूटीन का खाना है जो हम डेली रूटीन में बनाते हैं। दाल के लिए थोड़ी हम भी काट लेते हैं। अब चलिए दाल को अपनी भरोसी में रख देते हैं। अब चलिए कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पर। अब तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। अब शिमला मिर्च छोंक देते हैं, थोड़ा जीरा, थोड़ी प्याज, आधी कटी हुई प्याज, थोड़ी हरी मिर्च। दाल हमारी भरोसे में कर रही है। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। पहले सब्जी छोंक लेते हैं, अब शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च अगर भूनती नहीं है तो इनमें हीट आती है। सबसे पहले हमें शिमला मिर्च भूनते हैं। अब आलू को भी डाल देते हैं। थोड़ा टमाटर डाल देते हैं। हल्दी डाल देते हैं। थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। थोड़ा धनिया पाउडर डाल देते हैं। तो धनिया हमारा मसाले में पिसा हुआ है। अब ये सभी मसाले हैं जो हमने दाल के लिए पीसे हैं। अब सभी मसाले और सब्जियां अच्छे से भून गई हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अब ढक देते हैं सब्जी को, ढक देते हैं। आंच को हमें मीडियम रखना है, आंच को हमें मीडियम रखना है।
तेज आंच पे, पानी जल जाएगा, सब्जी नहीं गलेगी। सब्जी बन रही है, इतना हम आटा मल लेते हैं। और जब रोटी सेकेंगे ना, और हाथ हम इसमें जब मारेंगे। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन गई है। लोहे की कढ़ाई में चूल्हे पर सब्जी बनाओ तो क्या कहने, कोई जवाब नहीं है। सब्जी में टेस्ट दो गुना आ जाता है गैस के चूल्हे से। सब्जी बन गई है, देखिए सब्जी बन गई है। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। अब कढ़ाई को उतार लेते हैं। दाल में तड़का लगाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई को रख देते हैं। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं दाल के तड़के के लिए। अब जीरा डाल देते हैं। दो लाल मिर्च डाल देते हैं साबुत। अब प्याज डाल देते हैं। अब हरी मिर्च डाल देते हैं। अदरक हमने मसाले में पीस लिया था। अब टमाटर को डाल देते हैं। थोड़ा आंधी अभी डाल देते हैं, सारे नहीं डाल रहे। टमाटर डाल रहे हैं ना, तो आंधी ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुछ नमक हमने दाल में डाल दिया था, थोड़ा सा टमाटर गलने के लिए टमाटर में डाल रहे हैं। अब हल्दी डाल देते हैं। हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं, आप लाल मिर्च डाल लेना, हमने हरी डाली है। अब जो मसाला पीसा है उस मसाले को डाल लेते हैं। थोड़ा पानी डाल देते हैं। मसाला कैसे पक जाएगा। चलिए मसाला पक गया है, अब हम इसे दाल की हांडी में डाल देते हैं। भरोसी में काफी आग है, ये पकती रहेगी धीरे धीरे। ये देखिए अब दाल को ढक देते हैं। इतने रोटियां सेक लेते हैं। तवे को थोड़ा लेप लगा लेते हैं। पानी लगा लेते हैं हाथों को। अब दाल में डालने के लिए थोड़ा हरा धनिया काट लेते हैं। हरा धनिया काट लिया है, अब इसे हम धो लेते हैं। ये देखिए दाल पक रही है। हांडी के नीचे कोयले हैं,
चूल्हे की आग निकाल के हमने डाल दी थी। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। दाल हमारी अच्छे से कड़ गई है, ये देखिए। अब इसे हम एक भगोने में पलट कर रख लेंगे। ये मेरी थाली है, ये मेरी बिटिया की थाली है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दाल चावल रोटी सब्जी बनकर तैयार है और साथ में छाछ भी है, मट्ठा ठंडा ठंडा कूल कूल। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, दौड़े चले आओ, भागे चले आओ, मिस्सी दाल चावल खा लो, आ जाओ मट्ठा पी लो। शिमला मिर्च तो बहुत बढ़िया लग रही है, तुम्हें कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है मम्मी। चूल्हे पर बने खाने का आनंद ही और कुछ होता है, साथ में पानी के हाथ की रोटी बहुत बढ़िया है, मिस्सी दाल बहुत ही परफेक्ट बनी है। मटन बहुत अच्छा हो रहा है, मीठा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सब भी इसी तरह से दाल चावल रोटी सब्जी बनाना, खाना, खिलाना और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना प्लीज भूलना नहीं। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना आपकी हांडी की दाल कैसी बनी, शिमला मिर्च चूल्हे की कैसी बनी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय। Mm-hmm.